हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डीसी। आज लिमिटेड लाइब्रेरीज पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 1 होगा। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम को सेमेस्टर 6 में आने वाला है और टीवाई बैप को सेमेस्टर 5 में। ऑलरेडी ये टॉपिक एसवाई बैप सेमेस्टर नंबर 3 में कर चुका है, तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP कह सकते हैं। आप एक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैक जाते हैं पास्ट में। पास्ट में हमने एक सब्जेक्ट किया था जिसका नाम था OCM, OC या OCM। कॉमर्स लिया है तो पता चलेगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें एक लेसन था, एक ने ऐसे तीन लेसन थे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सुना है? सुना ही रहेगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब अकेला बंदा पूरा बिजनेस संभालता है, बराबर? नहीं, मेरे जैसा नहीं, बराबर है। वो सब चीज कर लेता है। उसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटीज का मतलब क्या? कर्जा, कर्जा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को ही पे करना है, और कोई है ही नहीं मेरे साथ पे करने वाला, बराबर है। पार्टनरशिप फर्म में मैं अकेला नहीं, चलो और एक पार्टनर ऐड करता मैंने बेटा। अब लायबिलिटी जो बटने वाली है वो हम दो में ही बटने वाली है, तो भी लायबिलिटीज हमने पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटीज। दोनों में हमने देखा था अनलिमिटेड लायबिलिटीज, बट फ्यूचर में जॉइंट स्टॉक कंपनी आ गया और उसमें लायबिलिटीज जो है वो लिमिटेड हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब कंपनी रजिस्टर्ड बन गई है, तो कंपनी में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में उधर प्रोप्राइटरशिप नहीं होता है, उधर शेयर होल्डरशिप होता है, शेयर इश्यू किया जाता है, तो बहुत सारे मालिक है, तो लायबिलिटीज क्या हो जाती है? अनलिमिटेड के जगह पे लिमिटेड हो जाती है। समझ में आया? तो हमारा टॉपिक का भी नाम वही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मतलब ये, पहला मेरा बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस था, एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, तो लायबिलिटीज अनलिमिटेड था। अब हमने डिसाइड किया यार अभी तो इतना बिजनेस चल रहा है, चलो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर देते, मतलब अपने पार्टनरशिप को हम कन्वर्ट करने वाले हैं। कन्वर्ट वर्ड याद रखना, टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट करने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटीज। इसका मतलब ये, अपने को एक पार्टनरशिप बिजनेस दिया रहेगा जिसे 12th का फाइनल अकाउंट, 12th का फाइनल अकाउंट अगर आपको याद हो तो इट इज पार्टनरशिप का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। 11th में सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट था, 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ऐसा आपने कहीं पढ़ा रहेगा, कॉमर्स किया तो पता ही है, बराबर है। तो अब हमको क्वेश्चन में जैसा 12th का फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे, जैसा जो एडजस्टमेंट सेम टू सेम डिक्टो करने का 12th का फाइनल अकाउंट, तो फिर इतना क्या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट बस एक ही चीज है कि 12th का फाइनल अकाउंट जो कर रहे थे वो टी फॉर्मेट में कर रहे थे, याद है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, बैलेंस शीट बनाते, ऐसा कुछ करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, अभी भी सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं, सारे एडजस्टमेंट सेम, खाली इतना है अब लिखना ऐसा नहीं है। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट लीजिए, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न, फिर टू बैड डेट्स, एट फर्दर बैड डेट्स, लेस RDD, ऐसा सब करते थे, पार्टनर्स अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट, तो अभी भी सेम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ही बनेगा, पार्टनर्स ही बनेगा, बैलेंस, मोस्टली पार्टनर्स नहीं भी बनाते कुछ, मैं प्रिपेयर करवाता हूँ, और बैलेंस शीट, बराबर है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता था ये चीज के अलावा? गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, गर्लफ्रेंड मेरी, ट्रेडिंग अकाउंट गर्लफ्रेंड है, ट्रेडिंग अकाउंट गर्लफ्रेंड है, गुड्स फैक्ट्री मतलब गुड्स का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, गुड्स का फायदा, फैक्ट्री का फायदा, कुछ भी हो सब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, बिकॉज यही चीज अब जैसे आपके स्टैंडर्ड में, सर नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा,
इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं ताकि वो चीज और इजी हो जाए जो एक्चुअल में आपको है, गर्लफ्रेंड। ओए ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का फायदा। ओए ला लायबिलिटीज असेट्स, लायबिलिटीज असेट तो हम मैंने 12th में पढ़ा था। ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए गर्लफ्रेंड ला, ऐसा मैंने 12th में पढ़ा है, अभी भी सेम है। ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का फायदा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। बस बस अभी ज्यादा गर्लफ्रेंड ला नहीं करेंगे। गुड देन फैक्ट्री ला, पार्टनरशिप के लिए कोई फॉर्मेट नहीं था। ये 12th था। अब हम आ जाते हैं अपने स्टैंडर्ड में। तो ये जो एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग के, उसे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम, अगर 99% रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं होता है, कुछ आता ही नहीं उसके अंदर, बट बाकी सब चीजें आएगी। रॉ मटेरियल कंज्यूम और एल्स परचेज मेड फॉर रीसेल, इन शॉर्ट परचेज, नाम चेंज कर दिया। नाम क्या कर दिया उसका? परचेज मेड फॉर रीसेल्स। हमने खरीदा बेचने के लिए ना, परचेज। अब ये परचेज मेड फॉर रीसेल का मतलब हुआ सिर्फ परचेज नहीं, गुड्स को लाने का भी खर्चा अगर होगा तो आप सब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है क्या? नहीं, ऑक्ट्राई ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, एक्साइज ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब चीजें आप लिखते थे। इन शॉर्ट परचेज मेड फॉर रीसेल का मतलब जितना भी परचेज से रिलेटेड खर्चा है, परचेज से रिलेटेड, गुड्स परचेज से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, परचेज के अंदर सब आ जाएगा। 12th में अपन अलग अलग लिखते थे, इधर अलग अलग नहीं लिखे, इधर इकट्ठा एक साथ लिखेंगे। तो ये PCPR, PCPR, P परचेज मेड फॉर रीसेल, P C फॉर कंज्यूमेबल ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, PC कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्टोर्स का खर्चा, स्पेयर पार्ट, इन शॉर्ट ये सब फैक्ट्री का एक्सपेंसेस हो गया, हाँ या नहीं? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम याद बाद में करना, बट पहला याद रखो। परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, पावर एंड फ्यूल, पी सी, पी से क्या आया? परचेज फॉर रीसेल, सी से क्या आया? कंज्यूमेबल, फिर वापस पी से पावर एंड फ्यूल, आर से रॉ मटेरियल कंज्यूम, PCPR। समझ में आया? यहां पे आते प्रॉफिट एंड लॉस। इधर सब एक्सपेंसेस ही होता था, इसके अंदर ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस आता था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे टाइम पे अपन ऐसा याद नहीं करे, अरे भाई ऑफिस का खर्चा सब लिख दो, बट क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बदल गया, हमको एक सीक्वेंस दिया गया कि सबसे पहले ऑफिस का खर्चा लिखते, फिर सेलिंग का खर्चा, फिर फाइनेंस का खर्चा। SY में पढ़ाया था वर्टिकल बैलेंस शीट, तो ये वही है, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर क्या आता है? इंटरेस्ट, उसके अलावा डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, पेमेंट टू ऑडिटर, अदर एक्सपेंसेस। मतलब ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, ASI, ऑफिस, सेलिंग, इंटरेस्ट, मतलब ASI, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ASI हो गया। उसके बाद DPO, डेप्रिसिएशन पेमेंट other expenses, depreciation payment other expenses, ASI DPO, ASI DPO, PCPR हो गया, PCPR, PC का प्यार बोलते हैं इसे, ASI DPO, ASI DPO, ASI office expenses मतलब office admin expenses, selling expenses, financial expenses, ठीक है? finance expenses में क्या आ गया? interest, DPO में depreciation payment other expenses, clear? इतना तो याद हो जाएगा ना, पार्टनर्स में कुछ याद करते नहीं है, टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू ड्राइंग, इतना ही था, इसको वैसा का वैसे। बैलेंस शीट के अंदर हमने देखा था पहले कैपिटल और फिर सब लायबिलिटीज लिखते हैं, कैसे भी जैसा आता था वैसा ही। यहाँ पे डिवाइड किया गया कैपिटल के जगह पे पार्टनर्स फंड और लायबिलिटीज, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। बोरोड फंड किया था आपने, बट यहाँ पे बोरोड फंड वगैरह कुछ नहीं, दो ही हेडिंग, पार्टनर्स फंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स फंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स फंड लायबिलिटीज। पार्टनर्स फंड में क्या क्या आएगा? वो कंट्रीब्यूशन रिसीव, जो पार्टनर का कैपिटल है वही मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मतलब जब ये क्लोज करते थे इधर ही कैपिटल लिखते थे ना, तो ये क्लोज करने का कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व एंड सरप्लस आपको पता है क्या होता है,
जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब रिजर्व, बट इधर रिजर्व के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसका रीजन है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कभी रिजर्व इतना मेंटेन नहीं करता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी करता है। तो अपने को तो क्वेश्चन है पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट रहेगा, उससे अपने को लिमिटेड लायबिलिटीज का बैलेंस शीट बनाना है। तो पार्टनरशिप फंड के अंदर सीआर, पार्टनर्स फंड के अंदर सीआर, कंट्रीब्यूशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इधर लायबिलिटीज में याद करने जैसा नहीं है, बट बेसिक है जो आपको पता रहेगा। बोरोइंग्स आता है, करंट लायबिलिटीज आता है, तो बोरोइंग सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। उसके अलावा क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल बोल लो, अदर लायबिलिटीज, प्रोविजन। इतना तो याद है ना? हाँ, असेट्स की बात करूंगा, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड। उसके अलावा इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड कैश, किधर पड़ा है कुछ याद आ रहा है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम, अदर असेट्स। इफ यू रिमेंबर दिस, अगर ये याद हो जाता है तो मैं गारंटी देखता हूं, गारंटी लिमिटेड लायबिलिटीज ऑप्शन में रखोगे ही नहीं। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है और 12th का फाइनल अकाउंट ध्यान में रखना है, ये चीज में आपको हेडिंग ध्यान में रखना है और 12th का फाइनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक, 12th में इसका दो इफेक्ट किधर जाता था? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट, असेट मतलब इन्वेंट्रीज, क्रेडिट। तो भाई ये सब चीज तो बनाया नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा इधर इस फॉर्मेट में दिख ही नहीं रहा है, मतलब इसको कहीं से अलग प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर या परचेज में तो क्लोजिंग स्टॉक आने वाला ही नहीं है, ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक, वो आएगा नहीं। परचेज से चालू किया और एक्सपेंसेस दिखाया, सेल्स, सेल्स में जाएगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो आना तो ट्रेडिंग अकाउंट में, बट उसका इधर कुछ दिख रहा नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होगा, और कहाँ होगा वो जब मैं बताऊंगा आगे तो मालूम पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक गया। दूसरा एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी प्रॉफिट लॉस में सैलरी में ऐड करोगे, सैलरी में ऐड करोगे तो इधर सैलरी पेमेंट वगैरह कुछ तो रहेगा, एडमिन, ऑफिस एडमिन जो भी रहेगा, एक्स वाई जेड, मैंने अभी दिखाया नहीं है, मैं आगे बताऊंगा तुमको। एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दूंगा मैं, एक समझने के लिए, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल जो भी जिसमें भी डालना चलेगा। ऐसे एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं और आपके दिमाग में खाली ये फाइनल अकाउंट रखना है। आप आपका फॉर्मेट की बात करूंगा मैं, तो आपका फॉर्मेट ये वही चीज है, याद करो। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से पीसीपीआर, पीसीपीआर परचेज मेड फॉर रीसेल, ट्रेडिंग अकाउंट अभी बताया मैंने, यही सेम चीज यहां पे एक्सपेंसेस दिखा रहा हूं, इनकम के बारे में बात भी नहीं किया मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग, इसका मतलब हमने क्या किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया, पहले ट्रेडिंग बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर? तो इसका मतलब इधर तक, डी तक, डी तक क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, ई एफ जी एच आई जे के सब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने एक चीज नहीं एक्सप्लेन किया, जरा ध्यान से, पर्सनल नहीं है ये, पर्सोनल एक्सपेंसेस है। ये क्या है पर्सनल, अब तक तो पर्सनल पर्सनल ही होता था तो हम समझते थे स्पेलिंग मिस्टेक, बट ये पर्सोनल एक्सपेंसेस है। पर्सोनल एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस में काम कर रहे वर्कर लोग या एम्प्लॉय लोग, उनसे रिलेटेड कोई भी खर्चा आएगा तो ऑफिस एडमिन में नहीं जाएगा, वो जाएगा पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल नहीं। तो ये अलग से दिया गया है। अब ये पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी आएगा, इसके लिए दोनों के बीच में है वो। इधर तक मैंने क्या दिखाया था, ट्रेडिंग, यहां से मैंने क्या दिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पर्सनल एक्सपेंसेस कहां जाएगा, तो पर्सनल दोनों के बीच में रखा है, क्योंकि वेजेस का खर्चा ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और दोनों किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है, वर्कर को ट्रेडिंग में और एम्प्लॉय जो है तुम्हारा वो ऑफिस में होता है, इसलिए पर्सनल एक्सपेंसेस अलग। करता है, मैं अभी बोल रहा हूं, आज समझ लोगे, एक सम भी करेंगे अपन अच्छे से, और बाद में तुमको इतना तो है कि भाई नहीं करेंगे, टॉपिक ये होना चाहिए कि आज क्लास में बैठे ये तो करेंगे ही। अभी डन है यहां तक पक्का? चलिए फिर
रॉ मटेरियल पीसीपीआर बढ़ता है, परचेस कंज्यूमेबल पावर रॉ मटेरियल, एएसआई डीपीओ, एएसआई में एडमिन सेलिंग इंटरेस्ट, डीपीओ के अंदर डेप्रिसिएशन पेमेंट अदर एक्सपेंसेस, फॉर्मेट लर्न, बराबर है। पीसी का प्यार एएसआई डीपीओ, पीसी प्यार एएसआई डीपीओ, बीच में खाली एक चीज क्या ऐड करना है, पर्सोनल एक्सपेंसेस। अब प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉम्बिनेशन में पहले इनकम बाद में एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताया था मैंने, याद है, चलो कभी जानवी ध्यान दे बेटा। इनकम, इनकम में सबसे पहला सेल्स, ग्रॉस टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, सेल्स में हम माइनस करेंगे रिटर्न्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कुछ भी है तो माइनस होगा, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स या तो रिटर्न्स, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा। बिजनेस में सिर्फ दो ही इनकम होता है, एक तो है सेल्स और दूसरा है अदर इनकम, समझा। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने बताया था, तो वह इंक्रीज स्लैश डिक्रीज ऑफ स्टॉक, ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना, उसमें जितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ रहेगा वो डिफरेंस निकाल। सर कैसे, ओपनिंग में से क्लोजिंग के क्लोजिंग में से ओपनिंग, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस होगा तो इंक्रीज डिक्रीज समझेगा, समझा। तो इनकम में तीन चीज दिखाया, सेल्स लेस रिटर्न कर दिया तो नेट सेल्स, अदर एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ स्टॉक, डन। इनकम मिल गया, एक्सपेंस मिल गया, दोनों को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, लेस टैक्स करेंगे तो नेट प्रॉफिट, फिर जो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था उसमें से अगर एप्रोप्रिएशन है तो ठीक, नहीं तो वो प्रॉफिट हम बांटते थे पार्टनर्स में ज्यादा था, और पार्टनर्स के बाद हम आते थे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में पहले दो पार्ट होंगे, पार्टनर्स फंड एंड लाइबिलिटीज, पार्टनर्स फंड एंड लाइबिलिटीज, पार्टनर्स फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन रिजर्व, लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, असेट में फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड एडवांसेस, बराबर है। एक्चुअल में ये फिल था बट अभी ये एल इधर आ गया, इसके लिए नहीं, एफ आई एल एल यहाँ पे आना चाहिए था बट लीव इट, यहाँ पे एफ आई एल, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाद इन्वेंट्रीज डेटर्स कैश एंड अदर्स। फॉर्मेट क्लियर हो गया क्या, अच्छे से सेट हो गया दिमाग में। 12th का फाइनल अकाउंट जैसा करते थे अभी भी वैसा ही करने वाला हूं, ओनली द थिंग इज ये है, क्लियर। अब डायरेक्टली इसके अंदर तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो अपना आंसर है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नोट्स अकाउंट शेड्यूल, सब नहीं सब बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने को जानो का भी जान भी जितना बोला है उतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखो आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन, प्राजक्ता एंड मनस्वी वेर पार्टनर्स इन द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3/5 2/5 ओल्ड रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, बस आगे ध्यान दे। 1 अप्रैल को दे एडमिटेड ऋषिका, इसका मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर 12th में क्या हुआ है, अपने दिमाग में एडमिशन वर्ड मत लाओ बट अपने लिए फाइनल अकाउंट है ये वर्ड तो लाओ। दिया है कि ऋषिका को उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। ऋषिका ब्रॉट 2 lakh इन कैश ऑफ विच 75,000 वेर कंसिडर एज अ पेमेंट ऑफ गुडविल एंड बैलेंस एज हर कैपिटल, ध्यान में रखना बाद में इसके बारे में बताऊंगा। ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, एडजस्टमेंट क्या क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, गुड्स वैल्यू, 12th वाला ही सेम है। You are required to prepare trading profit and loss account for the year ended and balance sheet. बराबर? Question समझ गया? खाली एक point नया, बाकी सब चीज तो सेम रहेगा। Question सामने रख दिया हूं। Format के लिए जो बनाना है format, जो notes बनाएंगे वो बना देंगे। अब पहला काम है marking करते हैं। कौन सा चीज किधर जाने लगा? Purchase, purchase में जाएगा। याद करो ना PCPR पढ़ाया आपको। Purchase पर discount allowed. डिस्काउंट दिया, दिया ना तो मेरा तो खर्चा है, कभी देते हैं डिस्काउंट, कभी देता, हाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बराबर, बट अभी अपने को प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग थोड़ी लिखने का है, अपने को उनका हेडिंग देखने का है। तो ये डिस्काउंट कब देते, जो सामान बेचते, बेचते मतलब सेलिंग का लॉस है तो सेलिंग एक्सपेंसेस, डेटर्स तो असेट है और डेटर्स डेटर्स में ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, इंक्रीज डिक्रीज आईडी, इनक्रीज डिक्रीज, कैरिज इनवर्ड, ट्रेडिंग मतलब परचेस, बराबर है, परचेस
मिसलेनियस एक्सपेंसेस खर्चा, मिसे मतलब ऐसे नॉर्मल खर्चा, अदर एक्सपेंसेस, मोटर व्हीकल असेट फिक्स असेट, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, कैश कैश में ही जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडमिन एक्सपेंस, रेंट इंश्योरेंस, बैक डेब्ट सेलिंग, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, सेल्स सेल्स ही है, ग्रॉस टर्नओवर, डिस्काउंट मिला, इनकम डिस्काउंट मिला ना, बट अदर इनकम, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बट सेलिंग में जाएगा, बैड डेब्ट्स आरडीडी सेलिंग में जाता है, बैड डेब्ट्स में 12th में फॉर्मेट बताया था, डेबिट में दिया है तो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट में दिया है तो ओल्ड आरडीडी, तो ये आरडीडी ओल्ड आरडीडी है, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में जाएगा ट्रेड पेबल या तो क्रेडिटर्स, जो भी नाम दे दो, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, कैश पेड मैंने बोला था और याद रखना, इसके बारे में बाद में बात करता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं इसे, 12th स्टैंडर्ड में जब फाइनल अकाउंट करवाता था तो मैंने क्लियर बोला पहला काम मार्किंग करके ले लो, तब उधर मार्क करते थे ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, बट अभी हेडिंग के जैसा मार्क किया, समझाइए। अब क्वेश्चन रीड करते देखते किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमेशा गुड्स या पार्टनर से एडजस्टमेंट रहेगा तो ऊपर स्टार मार्क नहीं कर लेगा, स्टॉक किसी को मार्क करेंगे क्या, बैड डेब्ट्स किसके ऊपर एडजस्टमेंट, डेटर्स 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 को स्टार मार्क कर दिया, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज लैंड एंड बिल्डिंग मोटरवेयर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटरवेयर के ऊपर एडजस्टमेंट, आरडीडी फिर से डेटर्स ऑलरेडी किया हुआ है, गुड्स कभी किसी को मार्क नहीं, देन यहां तक कुछ भी डाउट पक्का, फॉर्मेट में मैंने नोट्स का फॉर्मेट शेड्यूल बना दिया, आप भी सेम ऐसा डबल कॉलम बना सकते हो रुपीज रुपीज करके, ठीक है। फिक्स असेट का शेड्यूल, एक से ज्यादा फिक्स असेट है तो ऐसा बनाने का, पर्टिकुलर ग्रॉस वैल्यू डेप्रिसिएशन WDV, ठीक है, आप उसमें से माइनस कर सकते हो, एक एक बड़ो लेंदी हो जाएगा, इसके लिए ऐसा बना लेगा, ठीक है। नोट्स को अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स को मार्क्स होता है, इस नोट्स टू अकाउंट्स को मार्क्स होगा ही, इसलिए फॉर्मेट बता रहा हूं। चलिए क्या क्या वर्किंग बनाया, तो कंट्रीब्यूशन रिजर्व सरप्लस बनाया नहीं, रहता नहीं, फिर लायबिलिटीज के अंदर पहला था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बराबर, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल था, अदर एक्सपेंसेस तो बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने बनाया नहीं, फिक्स असेट बना दिया, ट्रेड रिसीव बना दिया, कैश यहां से चालू हो गया मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इनकम, इंक्रीज इन डिक्रीज इन स्टॉक, परचेज एडमिन सेलिंग डेप्रिसिएशन अदर, मतलब जितना रिक्वायरमेंट उतना शेड्यूल बना दो। आपको लग रहा है पूरा बनाने का है, आप पूरा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मतलब सब सीक्वेंस में बना दो, पूरा बना दो सीक्वेंस में, कोई प्रॉब्लम क्या, आपको इस तरह से अगर पूरा शेड्यूल बना रहे हो तो स्टार्ट की 10 सम करोगे ना पूरा बना के, तो आपको एक बार ऐसा लगे भाई अभी तो बायड भी हो गया है, अभी लिमिटेड कर दूंगा तो चलेगा, समझ में आ रहा है, तो मेरे को जितना रिक्वायरमेंट था मैंने उतना 13 शेड्यूल बना दिया है। पहला स्टेप इसके ऑप्शन में वो मत पहले सोच, पहले ये सोच के ये करने का है, इसके ऑप्शन में जब अपने को एक्सट्रीम आ गया भाई नहीं तो ऑप्शन, अभी तो 12th फाइनल अकाउंट ऑप्शन में टीवाई वाले रखने का ट्राई करें तो क्या बोलूंगा, तो शेड्यूल अलग है ना सर, 12th जैसा रहता तो कर लेते, 12th में जब फाइनल अकाउंट कर रहे हैं तभी सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो टैली नहीं होता है सर, तब 12th में ऐसा था तुम्हारा अप्रोच, आज नहीं है ना, ब्रेन वैसा बढ़ेगा अगर प्रॉपर से इसको चैनलाइज करेंगे तो, ठीक है। हमने हमारा काम किया मार्किंग स्टार मार्क, अब पोस्टिंग करना चालू करो, परचेज कहां जाएगा, परचेज का शेड्यूल बनाया 3,14,000, तू नहीं बोला बेटा इधर ध्यान दे समझा नहीं मेरे को मालूम था बेटा शहबाज, ठीक है, परचेज का पोस्टिंग क्लियर, जानो का भी जानवी, डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा, सेलिंग बनाया क्या, बनाया भाई, डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इंक्रीज एंड डिक्रीज, लेस ओपनिंग स्टॉक, समझा, माइनस में क्यों किया है, क्लोजिंग लेस ओपनिंग,
क्लोजिंग लेस ओपनिंग, तो लेस ओपनिंग पहले ओपनिंग दिया था, इसलिए कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? परचेज में, परचेज बराबर। मिसलेनियस अदर एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, उसके नीचे मोटर व्हीकल ही था, दोनों डाल दिया, बराबर है। देख लो अमाउंट 1,25,000 और 2,00,000, बराबर है। उसके बाद कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कैश में आ गया 12,600। टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन का खर्चा बनाया, एडमिन के अंदर 8,100। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,725, कहाँ है भाई प्रिंटिंग, आया ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,725, बराबर। रेंट समझा। उसके बाद बैड डेब्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, बैड डेब्ट कितना दिया है 1,000। इन्वेस्टमेंट सर बनाया नहीं आपने ना, बनाया नहीं तो कहां जाएगा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में चला गया, समझा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना के रखा हुआ पहले से, जो जिसका शेड्यूल नहीं बनाया उसको डायरेक्टली अपन किधर फॉर्मेट में पोस्ट कर देते हैं, समझाइए, क्लियर। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या था, ड्रॉइंग कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, तो टू ड्रॉइंग, तीनों का ड्रॉइंग का अमाउंट लिख लिया, देख लो 12, 10 और 5। डेबिट का पोस्टिंग डेबिट में ही गया, इंपॉर्टेंट है, जब ये शेड्यूल बन रहा है तो भी तुम्हारे दिमाग में, लायबिलिटीज का शेड्यूल क्रेडिट होता है, डेटर्स का शेड्यूल डेबिट, फिक्स असेट डेबिट, कैश डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, इंक्रीज डिक्रीज क्रेडिट के शेड्यूल में ही है, क्रेडिट ही है ना, ऊपर का इनकम में दिखता है इंक्रीज और डिक्रीज, यहां से सब आपके डेबिट शेड्यूल से, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब क्रेडिट साइड पे सेल्स कहां जाएगा, फॉर्मेट में जाएगा, ग्रॉस टर्नओवर में डाल दिया। उसके बाद अदर इनकम बनाया क्या आपने, अदर इनकम बनाया हुआ है, डाल दिया, नहीं बनाते तो डायरेक्टली उधर पोस्ट करते। आरडीडी कहां जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस में, ओल्ड आरडीडी, हर्ष ध्यान दे बेटा। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, ट्रेड पेबल बनाया है क्या आपने, देखो क्रेडिटर्स का ट्रेड पेबल नहीं, तो भाई ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स में आ गया, बराबर। उसके बाद कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस, तीनों का कैपिटल डाल दिया, रसिका का नहीं डाला है, दो ही जनता ना। उसके अलावा इसको मैं छोड़ देता हूं, इधर आता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म्स में चले जाएगा, डन। अब इसकी बात करते हैं, कौन सी साइड पे दिया, 2,00,000 क्रेडिट पे, मतलब क्रेडिट पे ही जाने वाला है। ये क्या है, ऋषिका ने जो अपने को 2,00,000 दिया था पहले लाइन पे दिया था, प्राजक्ता एंड मनस शेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो एडमिट हुई 1/6 शेयर के लिए, कितना 2,00,000। अब 2,00,000 रुपए टोटल वो लाई, जिसमें 75,000 किस चीज का था, गुडविल का, 75,000 था गुडविल और 1,25,000 क्या था उसका, कैपिटल, कैपिटल है तो कैपिटल में ही जाएगा, कैपिटल कैपिटल में ही जाएगा, और एक ही इफेक्ट, क्योंकि ये 2,00,000 का पोस्टिंग करने का है, एक ही इफेक्ट आएगा। 12th स्टैंडर्ड में मैंने बताया था, जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा तो आएगा और बटेगा, पार्टनर्स में बांटना है इसको, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/5 और 2/5, तो गुडविल 75 और 2/5 में डिवाइड किया 45 और 30, 75,000 और 1,25,000 क्रेडिट में जाने वाला है, तो बाय कैश, कैपिटल में गया 1,25,000 ऋषिका का, और बाय गुडविल कितना 45 और 20, ये किसको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर को, नए पार्टनर को नहीं। तो ये 2,00,000 का पोस्टिंग कैसे किया, 2,00,000 में से 1,25,000 कैपिटल और 45-30 क्रेडिट साइड पे ही, डन। पोस्टिंग भी किया तो भी मार्क्स मिलता है, इतना पोस्टिंग पे भी मार्क्स है, एंड वंस यू कैन सॉल्व पोस्टिंग ना, यू कैन सॉल्व एडजस्टमेंट। अगर पोस्टिंग करना आ गया है तो एडजस्टमेंट तो नल्ला है, तुम लोग का लैंग्वेज क्या है उसके, नहीं तेरा रैपिडो है, कौन सा लैंग्वेज तेरा, अभी 2 दिन पहले वो स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था कोई का, किसी का तो देखा मैंने, उसने रैपिडो के ऊपर मस्त कमेंट किया, मैं आई तो मैं बॉयफ्रेंड के साथ आई, उसको मैंने बोला चल अंदर, तो नहीं, नहीं 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 बहुत किया उसने, तो
मैंने कहा क्यों नहीं आना चाह रहे? तो बोला मैं रैपिडो वाला हूँ ना, तो मैं अंदर कैसे आऊंगा? हाँ तो मतलब तूने भी देखा है, वेरी गुड। देखना मालूम पड़ेगा एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि पूरा बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान दे, यहाँ तक क्लियर है? पोस्टिंग डन, पोस्टिंग डन। ध्यान दे दे यहाँ पे, अब अपने को एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करने का है। ध्यान देना यहाँ पे, स्टॉक ऑन 31st मार्च वॉज 1,05,000। स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट पे असेट। बैलेंस शीट असेट मतलब इन्वेंट्रीज में, ट्रेडिंग में क्रेडिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कहां से चालू हो रहा भाई? तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दिखाया था मैंने, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 और 1,07,000। समझाइए? अरे हाँ, इधर कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट इनकम है ना, ये हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का था इन्वेंट्रीज का शेड्यूल बनाया, 1,05,625 डेबिट। दोनों इफेक्ट क्लियर हुआ क्या? देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एक इफेक्ट क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का था इन्वेंट्रीज, दो इफेक्ट डन। 12 अभी वो 12 ध्यान में रखना, डन है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स। अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेब्ट्स, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है तो फर्दर आरडीडी। बैड डेब्ट्स कितना दिया है? 3,000। बैड डेब्ट्स क्या होता है? डेटर में से माइनस होता है। सर माइनस कर दो ना फर्दर बैड डेब्ट्स, 12th में फाइनल अकाउंट में सेम कर दे दे, डेटर्स में से माइनस कर दिया। दूसरा फॉर्मेट था अपना, अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड करते 3,000। याद आया? खत्म, सेम टू सेम। शेड्यूल क्या था? सेलिंग और दूसरा इफेक्ट डेटर्स के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन असेट का वैल्यू कम। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी और प्लांट एंड मशीनरी पे। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना? मोटर वैन पे कितना भाई? 2,00,000 का 5% निकालो 10,000, 1,25,000 का 25,000। डेप्रिसिएशन असेट का वैल्यू कम हो गया, अपने तो नुकसान है, तो डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन के हेडिंग में ही जाएगा। समझ में आ गया? दोनों इफेक्ट क्लियर। मैं अभी बोल रहा हूं जो इसको ऑप्शन में रख, लेंदी है ये, लेंदी है ये मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर आप 12 का पॉइंट ऑफ व्यू देख के दिमाग को वैसा चलाओगे तो ये लेंदी नहीं लगेगा। सिर्फ टीवाई का सोच के अरे बहुत शेड्यूल बनता है तो ये लेंदी है, और 12 का सोचोगे ना तो मैं आपको बोलता हूं ये टॉपिक इजी है और टाइम भी कम लगेगा। फॉर्मेट अच्छे से लर्न है। मैंने दो दो इफेक्ट दे दिया, आगे बढ़ रहा हूं। आरडीडी परसेंटेज दिया तो न्यू आरडीडी कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेटर निकालना, 1,05,000 - 3,000 करो, 1,05,000 - 300 करो 97,500। उसका कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 10%, 9,750 और न्यू आरडीडी 9,750 फॉर्मेट में ऐड हो जाएगा। इधर माइनस और इधर प्लस होता है। अरे समझा? डन दोनों एडजस्टमेंट, और इधर एडजस्टमेंट कुछ भी आपको टीवाई जैसा नहीं आएगा, इतना बोल रहा हूं मैं, यही एडजस्टमेंट है। इसके लिए बोला आज लेक्चर ध्यान से देखो, इट विल बी इजी। अगर ध्यान से देख रहे हो तो इसलिए अपना टाइटल भी है, देखो इट विल बी इजी। समझ में आया? यहां पे आरडीडी हो गया, गुड्स वैल्यू ₹2,500 हैज बीन लॉस्ट, गुड्स चला गया। तो गुड्स सिर्फ एक ही जगह पे आया है और वो है परचेस। ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा ना, तो गुड्स आया है वो सिर्फ इधर ही है, अभी गया तो इधर से ही जाएगा। मेरा तो लॉस हो गया, तो भाई गया 9,000 लॉस हो गया, लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिन में तो जाएगा नहीं, सेलिंग में जाएगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, अदर एक्सपेंसेस लॉस बाय फायर। क्लियर? डन एडजस्टमेंट खत्म। अब जितना नोट्स बनाया है सबका टोटल कर लो, पहले प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट करना फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। तो इसका टोटल ले लेते, देखो इधर कुछ भी लिखा तो था नहीं, बैड डेब्ट्स अकेला है, सॉरी ओवरड्राफ्ट अकेला है। इधर 1,05,000 - 3,000 - 9,750 कितना? 87,750 आया। कैश अकेला है, डिस्काउंट अकेला है, यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। देखो कितना आ रहा है, -1,425 इसमें ये, वेरी गुड जादव, सेम मैंने वो इंग्लिश में बोला नहीं नहीं बस नॉर्मल दादा। इसमें ये प्लस और ये माइनस करो,
319,950 इधर सबको ऐड करो 22,285 देख लो करके देखो, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कुछ करेक्शन रहेगा तो समझ जाएगा। फिर इधर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स में 1000 प्लस 3000 प्लस 9750 माइनस 10750 डिस्काउंट अलाउड 4300 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15050 इन दोनों को ऐड करेंगे 35 इन दोनों को ऐड किया 22100 डन है यहां तक। अब करना कुछ नहीं है, जो भी आपका शेड्यूल है आपके फॉर्मेट के पास जाने का, तो आपका फॉर्मेट आ जाएगा भाई। चलिए फिक्स एसेट बाकी था क्या? अच्छा फिक्स एसेट में 2 + 1,00,000 3,25,000 10,025 3,25,000 में 35 माइनस किया 2,90,000 इनका भी टोटल करो 2,90,000 डन। फॉर्मेट रेडी है, अब आ गया आपके फॉर्मेट में पूरा शेड्यूल जो बनाया था क्वेश्चन मैंने हटा दिया। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट ग्रॉस टर्नओवर मालूम था, कोई रिटर्न्स है क्या तो यही मेरा नेट टर्नओवर हो जाएगा, तो इधर नेट टर्नओवर सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अदर इनकम कितना है भाई? अदर इनकम 5,375 प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल से स्टार्ट किया। अदर इनकम 5,375 इंक्रीज डिक्रीज बनाया, हाँ बनाया, माइनस में 1,425 माइनस में 1,425 अब इसका टोटल ले सकते हो, जरा लेना 5,35,800 प्लस 5,375 माइनस 1,425 क्योंकि ब्रैकेट में माइनस 750 इनकम खत्म। एक्सपेंस रॉ मटेरियल परचेज है क्या? कंज्यूम नहीं, परचेज बनाया कितना है लिख दो भाई, परचेज 3,99,950 परचेज के बाद क्या आने वाला है? कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट्स नहीं है, पावर नहीं है, पीसीपीआर हो गया, पर्सनल भी नहीं है, एडमिन है क्या है 22,825 सेलिंग है 15,050 इंटरेस्ट है नहीं, डेप्रिसिएशन है कितना है 35,000 पेमेंट टू ऑडिटर नहीं, अदर एक्सपेंसेस है 22,100 अभी एक्सपेंसेस का टोटल ले लेंगे 3,19,950 22,825 1,550 35 और 22,100 कितना 4,00,000 के आसपास रहेगा। 3,19,000 तो इधर ही दिख गया, 4,41,925 बराबर है ना। अब इनकम माइनस एक्सपेंस देख लो करके वापस से, मैं यहाँ पे 4,41,925 दिखा है। फोर लैख 14 आ रहा है, हाँ नहीं मैं बोल से हो सकता है 4,1 ऊपर आ गया रहेगा, 1 पहले बाद में 4 कोई नहीं, कितना रहा 4,14,000 अच्छा तो इसका टोटल है 4,14,925 41 नहीं 1,414 अब 5,39,750 में से 4,14,925 माइनस करो, वो टाइपिंग में हो गया रहेगा 1,4 के जगह पे आंसर वो है बराबर। ठीक है समझाइए, अब कोई टैक्स वगैरह है क्या? नहीं, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट बटेगा तीन पार्टनर में, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 था, हाँ बट बांटना तो तीनों को है बराबर, तो जरा ध्यान देना ओल्ड रेशियो क्या था मेरा 3:2, नया पार्टनर जब मेरे बिजनेस में आया तो मैंने उसे कितना शेयर दिया 1/6 का मतलब प्रॉफिट का 6 बंटवारा होगा उसमें से तेरे को एक ही शेयर मिलेगा, तो बैलेंस कितना बचा 5/6। ये किसके लिए है? ओल्ड पार्टनर के लिए। टोटल नया 6 शेयर्स है, टोटल कितने शेयर्स है कंपनी के 6, उसमें से हम नए पार्टनर को कितना शेयर दिया तो बाकी 5 शेयर तो ओल्ड पार्टनर के हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस। समझा? अब मैं फाइंड करूंगा न्यू रेशियो, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अपने पास तीन पार्टनर थी,
कोई तो थी प्राजक्ता, मनस्वी और आर। ओल्ड रेशियो 3:5, 2:5, ये ओल्ड था क्या इसका, इनटू बैलेंस 5/6, 5/6, इसको बैलेंस कितना है इसका, तो 1/6 ही है। 5/5 कैंसिल, 5/5 कैंसिल, तो अब क्या बच गया इधर, 3/6, 2/6, 1/6। बेबी को बेस पसंद है 6, तो रेशियो है 3:2, मतलब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 2:1। तो जो भी ये प्रॉफिट आया उनका, ये कितने पार्ट्स में बटेगा, 3 पार्ट्स में बटेगा। चलिए बांटिए और बताइए कितना आ रहा है, 1,24,825 डिवाइड बाय इनटू 3 डिवाइड बाय 6 करोगे तो भी चलेगा, कितना 62,413 बराबर, फिर 1,24,825 इनटू 2 डिवाइड बाय 5 करके देखो कितना आ गया, और तीसरे का डन। जो भी प्रॉफिट आएगा वो किधर जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में, भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज हो गया, पार्टनर्स का अकाउंट बनाया था आपने, देखो ये सब बनाया था, इधर बाय नेट प्रॉफिट तीनों का डाल दिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे और वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। भाई टोटल ले लिया इसका, माइनस करने तो आई होप सबको आता है कैसे माइनस होता है, ठीक है बैलेंस आया, ये तीनों का बैलेंस का टोटल मैंने ले लिया 2,57,431 टोटल ले लो, यहाँ पे आया था 2,54,7,413, फिर 1,49,108 एंड 1,40,000 शेड्यूल बनाया था मैंने, इसका टोटल ले लो कितना है, 5,47,352 देख लो अगर टोटल करके, क्या 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 431, अच्छा ये टोटल चेक करना, फिर इधर माइनस करके चेक करो ना, 1,62,500 प्लस 45,000 प्लस 62,431 कितना आ रहा है, 9,13 ना, मतलब इधर ही मिस्टेक हुआ ना, ये 3,1 ही आएगा यहाँ पे, ये बराबर है ना, मतलब ये मिस्टेक हुआ, नहीं वो भी बराबर है फिर, अच्छा यहाँ पे 31 करना, 31 करना, दूसरा भी चेक कर लो बाबा, 87,500 30 प्लस 41,608 माइनस 10,000 1,49,108 यहाँ पे टोटल कर लो, 1,25,000 प्लस 20,804 1,45,804 5,000 ही गया है, तो 1,48,04 टोटल अभी इधर कितना आ रहा है चेक करो, 31 लेके ना, हाँ तो मेरे को इधर ही गड़बड़ लग रहा है, 5,47,343 टोटल आता है, चेक कर लो बैलेंस शीट में जाते हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर अपने को क्या करना है, जो आपने शेड्यूल बनाया था ये सेम देखो यहाँ पे आया, कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल के अंदर 343 जो चेंजेस है वो देख लेना, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट बोरोइंग्स में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बनाया गया भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक, हाँ शॉर्ट टर्म में चला गया, उसके बाद क्रेडिटर्स तो पहले से था, पोस्ट ही किया था आपने, उसके अलावा और कुछ अदर लाइबिलिटीज है क्या, नहीं टोटल ले लो, उस साइड का टोटल कितना आ रहा है चेक करो, कितना आ रहा है, 6,45,975 है, इसका टोटल करके चेक करो जरा, 5,47,352 प्लस 17,300 ये जो है ना 9,650 शायद ये अदर लाइबिलिटीज का है, अदर लाइबिलिटीज बनाया क्या आपने, टोटल करके चेक करो, 5,47,352 अभी इसमें जो लिखा वो करने बोल रहा हूँ, ये चेक करने इसके लिए बोल रहा हूँ ना, 5,47,352 17,300 81,350 98,650 है ना, तो फिर जरा एक बार बुक में देख लेता हूँ, कुछ लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक किया रहेगा, कौन सा है बैफ का है ना, बाकी कंसेप्ट अभी क्या, खाली क्लोजिंग में अमाउंट में कुछ चेंजेस है, बाकी एडजस्टमेंट तो सॉल्व कर रही है ना बराबर, कौन सा सम दिया था इन लोग ने, कौन सा टॉपिक, एलएलपी ना, एक मिनट रुक जाओ, प्रोजेक्ट का, हाँ हाँ एक मिनट,
हाँ ये जो है ना 98,650 इधर है ही नहीं, ये 98 इन दोनों का टोटल है, ये 98,650 इनका इन दोनों का टोटल है 17,300 और 81,350 का, तो ये ऐड अलग से नहीं होगा 5 लाख। अभी दूसरा टोटल है 5,47,325, इधर 25 दिख रहा है, इधर आप लोगों को 31 दिख रहा है, इस बुक के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अगर एक मिनट देखो करेक्शन कहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ ये बुक में, तो मेरे हिसाब से अभी बुक का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू देखा नहीं है। कैपिटल आपको आता है कैपिटल अकाउंट में, पिछला पीछे जा रहा हूं खाली थोड़ा सा बैक, यहाँ पे एक बार चेक करना 2,57,413 आता है यहाँ पे 31, वो तो मैंने बता दिया। फिर ये आ रहा है 1,49,108 और ये आ रहा है 1,40,000, टेक्सटबुक में भी सेम है। अब कैपिटल में जब ये जा रहा है तो कैपिटल में इसका टोटल आ रहा है, यहाँ पे 2 लाख इधर ना, हाँ इधर चेंजेस है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, देख लो बाबा प्रॉफिट एक बार चेक कर लो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होएगा, उससे बेटर है पहले प्रॉफिट चेक कर लो, बाद में बोलेंगे टैली नहीं हो रहा है, इसके लिए बोल रहा हूँ जरा ध्यान दो। टैली होने की बात नहीं है भाई, तुम लोग ध्यान दो खाली बस, जबरदस्ती हम लोग करते नहीं ना बेटा टैली। यहाँ पे प्रॉफिट्स आया था आपको 62,413,41,608,20,804, प्रॉफिट क्लियर, इनको ऐड करके चेक करो 1,24,825 आता है क्या टोटल, लो इन तीनों को ऐड करो 1,24,825 आता है क्या चेक करो, बराबर है ना, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सेम प्रॉफिट आएगा 62, यहाँ पे 62,413 के जगह पे 31 के जगह पे 41,608 and 20,080। अब टोटल लेना, टोटल चेक करना, टोटल आपको एक का आ रहा है 1,45,804, 1,59,108, 2,69,913, बराबर माइनस कर रहे हो तो आपको आंसर आ रहा है एक का 1,48,804, दूसरे का 1,49,108 और एक का है 5,57,413 और इसका टोटल आप कितना आ रहा है जरा चेक करना, इसके टोटल में मिस्टेक है 2,57,413, 1,49,108, 1,48,804, टोटल करो कितना आ रहा है, ये बराबर लिखा इधर 2,57,413, 1,49,108, 52 नहीं है यहाँ पे 25 है, मतलब इधर आपको करना है 13 एक, इधर आप निकाल सब बराबर है, इधर 25 करने का है बराबर। चलिए कैपिटल की तरफ आए, यहाँ पे 52 के जगह पे 25 करो, कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, 25 हो गया। सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग में 17,300 और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बराबर है। क्रेडिटर्स पहले से था डैश, इन दोनों का टोटल आता है 98,650 और 1,47,325 प्लस 98,650 करो कितना आ रहा है देखो, बराबर आया। असेट्स के अंदर फिक्स असेट है आपके पास और फिक्स असेट का शेड्यूल बनाया 2,90,000, फिक्स असेट 2,90,000, इन्वेस्टमेंट पहले से दिया था, लोन्स दिया नहीं है, इन्वेंटरीज भी पहले से दिया हुआ था, ट्रेड एंड ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे कितना है 87,750, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना है 12,600, यहाँ पे 12,600। अब टोटल करो कितना आ रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं अमाउंट, 12,600 यहाँ पे लिखना, 2,90,000, 1,50,000, 1,56,625, 87,750, 12,600 कितना हो गया, समझा अभी। ये लो बुक की जरूरत खाली वो इसके लिए पड़ी, बट वापस बोल रहा हूँ देखो ये तो क्लोजिंग है इसके लिए ऐसा हुआ, बट प्रॉब्लम कुछ नहीं, खाली वो अमाउंट ऊपर नीचे लिखा है इसके वजह से, डन है। दो तीन इसके ज्यादा लेक्चर्स नहीं होने वाले, मैं आपको अभी गिन के बोलता हूँ। फाइनल अकाउंट 12 जैसा सेम टू सेम है ये टॉपिक, अगर कंपलसरी आया कोई ऑप्शन नहीं है ना
तो कुछ भी नहीं आता है तो पोस्टिंग करके आना शेड्यूल्स के अंदर। क्लियर है? आज इतना ही करते हो। फ्री वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।